आप बना सकते हैं, आपके पास में एनर्जी का सिस्टम नहीं है तो आप बना सकते हैं सोलर पैनल या उनके माध्यम से। ये कुछ ऐसे आइडेंटिफाई भी किए हैं राजस्थान में ऑलरेडी हो, जिन्हें भी आप यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, दिखा रहे हैं? जी हाँ, हमने ऐसे किसान भाइयों को चिन्हित करके हम उनको उन्नत कृषक बोलते हैं। पहले हमने 330 की एक लिस्ट बनाई थी, उसको हमने एक्सपैंड करके 1000 की लिस्ट किया जो ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं। जी जी, उनको हमने आमंत्रित किया है और वो लोग हमारे इन जॉर्जन बैठकों में, कॉन्फ्रेंस में भाग भी लेंगे और वो अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग भी करेंगे, छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में, जैसा एक इंटरैक्टिव हमने इसको रखने की कोशिश की है कि ये कोई बहुत मोनोटोनस सा, बोरिंग सा कार्यक्रम ना बन जाए। तो लोग जितना पार्टिसिपेट कर सकेंगे उतना ज्यादा ज्ञान का डिसेमिनेशन होगा, नॉलेज सीधा इफेक्टिव भी हो ताकि आम किसान समझ सके कि भाषा वही हो, बिल्कुल क्या कहना चाहता है, कैसा उसको। यही वजह है कि चौपाल जो जाजम आप बता रहे हैं कि उनके माध्यम से, समय बहुत कम है, लगभग 20 दिन की बात है और बड़ा इवेंट आई थिंक राजस्थान में पहली बार इस लेवल पे हो रहा है। कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां अच्छी हैं, हमारी इवेंट की पार्टनर फिक्की है, उन्होंने काफी मेहनत से वेबसाइट के जरिए और अन्य साधनों से मैंने रजिस्ट्रेशन बहुत कर लिए हैं, जो कॉन्फ्रेंस में कौन आएगा, स्पीकर कौन आएंगे, एग्जीबिशन के लिए कौन आएगा, किसको क्या स्पेस मिलेगी, फार्मर आ रहे हैं तो उनके लंच की क्या व्यवस्था होगी, कहाँ पे होगा, इतनी बड़ी संख्या में रोज लोग आएंगे, फिर सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, गंदगी नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे लिए चैलेंज की कहाँ से हम बसेस का इंतजाम करके लाएं, फिर वापस ले जाएं, और हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं हर लेवल के, वो जो भी साधन आएगा, चाहे बस आएगी चाहे ट्रेन आएगी, बाकी तो ट्रेन भी आएंगे, ट्रेन का हमने व्यवस्था की है, हर ट्रेन के हर डिब्बे में और हर बस में हमारे विभाग का कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी आएगा साथ में, लाइक अ गाइड, उसकी हम ट्रेनिंग भी करेंगे पहुंचाने तक के लिए वापस भी, यस, वहां से शुरू करके, गांव से शुरू करके और पंचायत समिति से शुरू करके जयपुर, और जयपुर से कलेक्ट करके बस में या जिस भी साधन से वो आए हैं लेकर के वापस छोड़ के आने तक की उनकी ड्यूटी है। और इन अधिकारियों की, जिनको कि हम इस काम पे लगा रहे हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग भी आयोजित की है ताकि वो पूरी तरीके से क्षेत्र से भी वाकिफ हो जाए, उनकी क्या उत्तरदायित्व उनका बनता है उससे भी वाकिफ हो जाए, तो उसका हमने तैयारी की। जी, बात विजन की होती है कि इतना बड़ा इवेंट है लेकिन भविष्य में राजस्थान को फायदा क्या मिलेगा इसका? देखिए, इसके हमारे बहुआयामी परिणाम हो सकते हैं इसके। अब ये है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने कृषक को अवेयर करना है, एक पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस इवेंट का, उसका हम जो सोच का दायरा है, जो उसकी एक्सपीरियंस का दायरा है, एक्सपोजर है, उसको हम बढ़ाएं, वो इन प्रदर्शनी के माध्यम से होगा, जाजम बैठक चौपाल के माध्यम से होगा, वो जो स्मार्ट फार्म है उससे होगा उसका। और जो दूसरी चीज है कि हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि हमने स्मार्ट फार्म में दिखाएंगे कि हम ऑलिव की खेती कर रहे हैं, जैतून की खेती हम कर रहे हैं, ऑरेंज की खेती हम कर रहे हैं, या हम नए फल पौधों की कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो एक एक पहचान हमारी बनती है कि राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तानी इलाका नहीं है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे, बावजूद इसके कि हमारा एरिड और सेमी एरिड जोन है, हमने इसके बावजूद यू नो एक पर ड्रॉप मोर क्रॉप की चीज को हम इसको चरितार्थ करने में लगे, तो उसको देख करके भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दे वुड बी मोटिवेटेड, प्रेरित होंगे इसमें और कुछ निवेश बढ़ेगा उसमें, ऐसा हमारा है कि एक दूर बहुआयामी इसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। एक सवाल है, वैसे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप लोगों ने तैयारी की होगी, पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की क्रॉप लगाई जा सकती है या फिर पानी का लेवल क्या है तो वहां कैसी खेती होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है मुझे लगता है कि अब रिलेवेंट है और सबसे बड़ी शिक्षित करने की जो जरूरत है अब इसी की है, तो ये ऐसा कुछ करेंगे सेशन में कि हमें राजस्थान की परिदृश्य में देख, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए? बिल्कुल, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का रूटीन का कार्यक्रम है और जो हमारे फील्ड में हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जो हमारे पदाधिकारी काम करते हैं वो ये काम ही करते हैं, किस जलवायु में, किस भूमि के प्रकार में, किस सॉइल के प्रकार में क्या उगाना चाहिए, तो उनका काम है ही। इस इवेंट के थ्रू हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपने जो एक ट्रेडिशनल खेती अपना रखी है वो तो ठीक है, किंतु कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि किसान की आय उस रूप में नहीं बढ़ पा रही है जिस रूप में उसकी उत्पादकता बढ़ गई है, उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है, परंतु आय उस अनुपात में नहीं बढ़ी है, तो वो क्या कारण है? वो कारण यही है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें करनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए जो डिमांड पे आधारित है, जो उच्च मूल्य की है। तो ये ज्ञान हम देने की कोशिश करेंगे, ड्रैगन फ्रूट है मान लीजिए,
तो वो आप एक फ्रूट जो है कितने का आता है और बजाय इसके कि बेर कितने का है, तो ये सब चीजें हम किसान को बताना चाह रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ वो जी हमारी जीडीपी में बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर का। और पहले कहा भी जाता रहा है कि बड़ा एम्प्लॉयर है ये, लेकिन अभी जो पोजीशन बनी हुई है, लोग जो कृषक हैं अभी अपने बेटे को कोई किसान नहीं बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जिस मकसद के साथ में आप यहाँ काम अभी कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स से ज्यादातर है कि जिनके पास में अभी जो लैंड है वो ठीक से उससे काम कर सकें और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में कर सके, तो लगता है कि राजस्थान में जो एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में वापस खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, प्रयास हमारा यही है कि किसान के बेटे को किस प्रकार से हम कृषि से जोड़ के रखें ताकि वो उससे अच्छी उपज भविष्य उससे, उससे अच्छी आय होगी अगर, तो वो जुड़ा रहेगा। अगर आय में कमी होगी और लैंड की साइज भी कम होती जा रही है और हर प्रकार की विपत्ति का उसको सामना करना पड़ेगा तो वो अलग हो जाएगा, वो नहीं करेगा। तो लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे कि इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज आई है, क्रॉप इंश्योरेंस आई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, उससे रिस्क कम हो जाती है। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि आप टेक्नोलॉजी को जितना जोड़ोगे, चाहे वो मार्केट के अनुसार इसका आकलन किया जाए टेक्नोलॉजी के मार्फत, या चाहे आप बीजों के मार्फत करें, या आप अगर ऑर्गेनिक खेती की बात करें, या किसी भी नई चीज के बारे में बात करें, हाई वैल्यू क्रॉप्स के बारे में जैसे मैंने बोला, तो ये जरूर आय को बढ़ाएंगे और यंग जनरेशन का जो फिर वो एक इंटरेस्ट है वो इसके साथ में बढ़ेगा। जी चलिए मैम, आपसे एग्रोटेक मीट पे चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बदल देते हैं हमारे जीवन का सार, पुरोधाओं के अनुभव और उद्गार, विश्व को देते अपनापन और प्यार, प्रभात वेला में इनका श्रवण, देखिए प्रवचन रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नीलकमल दरबारी जी। मैडम, हम बात कर रहे थे एग्रीटेक मीट समिट 2016 को लेकर के, किसान के बेटे को एक उन्नत किसान बना करके और हम जोड़ने के एक एम्प्लॉयर के रूप में उसे देख रहे हैं कि बड़ा एक इंडस्ट्री के रूप में। संभावनाओं की अगर हम बात करें राजस्थान में, जो जिस मुद्दे को लेकर के हम चल रहे हैं आगे, ऐसी संभावनाएं हैं ये देखा जाए कि वास्तव में उसे लिटरेट किया जाए इस सेक्टर में तो शायद कामयाब हो सकता है। जी जरूर, बहुत आवश्यक है कि वो एजुकेटेड फार्मर जो है, दुनिया में आप कहीं भी देखिए फार्मर जो एजुकेट हुआ है उसने ज्यादा प्रगति की है, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है। कृषि अपने आप में साइंस है, एक विज्ञान है, और उसको जितना आप नई तकनीक के साथ में जोड़ेंगे उतना लाभ है इसमें। अब जैसे हम लोगों ने जब शुरू